हेलो गाइस, आज हमारा तीसरा दिन है मनाली में। और कल का तो आपको पता ही था, मैंने बताया था वहाँ पे ऊपर बहुत दिक्कत हो गई थी, इस वजह से हम वापसी आना पड़ा। जाओ, और बर्फ़ भी नहीं थी इतनी जितनी हमने सोची थी। जो सोच के हम गए थे कि बर्फ़ मिलेगी, इधर भी मिलेगी उधर भी मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं मिला, हमारे हाथ में ठेंगा आ गया। तो वहाँ पे ऐसा कुछ खास तो था नहीं, हम 12 लाची तक गए, वहाँ से वापसी आ गए। और उसके बाद क्या नाम है, अब हम अपने फिर आ गए, थक गए, बहुत थके हुए थे, आए, खाना खाया और सो गए। आज हमारा तीसरा दिन है, अब हम हिडम्बर देवी टेम्पल के लिए निकल रहे हैं। उसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। हिडम्बर देवी टेम्पल तो बहुत फेमस है, बहुत लोगों ने वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी अच्छी जगह है, जाना चाहिए हमें। वहाँ जाके देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। याक सवारी करेंगे, आज पैराग्लाइडिंग भी करेंगे। और पैराग्लाइडिंग करने के बाद देखते हैं, मतलब पता चलेगा कि जैसे जैसे हमारी चलेंगे कि कहाँ जाना है भाई, कौन सी अच्छी जगह है, तो वो हम आपको आगे बताते रहेंगे कि ऐसे यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं। तो रेडी हैं, अभी तक सुबह तक बहुत बादल हो रहे थे, नीचे इतने बादल हो रहे थे, एकदम कोहरा हो रहा था, कोहरा ही कोहरा था, इतना कोहरा था कि मतलब बादल नीचे आए हुए थे, लेकिन अब एकदम से सारे बादल ऊपर चले गए सुबह तक, सच बता रहा हूँ मैं। और इतना धुआं हो रहा था नीचे, लेकिन अब सब ऊपर चले गए। तो चलते हैं आगे। हिडम्बर देवी टेम्पल हिमालय आर्किटेक्चर के से बनाया गया है। 1553 ईस्वी में बना था ये मंदिर, जो कि बहादुर शाह ने बनवाया था। इसके आसपास के जो पेड़ है ना, जो आसपास जितने पेड़ हैं, वो बड़ा खूबसूरत ज्यादा रहा है। इस टाइम मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, आमतौर पर अभी सीज़न नहीं है, लेकिन जब सीज़न होता है तब यहाँ बहुत भीड़ लगती है, बहुत लोग टूरिस्ट आते हैं, आप विजिट करते हैं। हिमाचल प्रदेश की मनाली में आने के बाद ये सबसे सुंदर जगह है, मतलब यहाँ पर बहुत लोग विजिट करते हैं, बहुत क्राउड आता है। टेम्पल के बाद
अब हम अपनी एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने। पैराग्लाइडिंग अब देखो आगे जा के होगी, उसके बाद हम अपना घर के लिए निकलेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने पैराग्लाइडिंग सिर्फ समुद्र में करी है, गोवा में, यहाँ आज तक वैसे पहाड़ से नहीं करी। थोड़ा सा घबरा भी रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। और भी एक्टिविटीज़ अगर हुई अच्छी, मतलब करने कर सकते हो तो वो भी करूँगा। पानी देखो क्या चल रहा है, एकदम भाव ऐसा है कि खत्म हो जाओ। और अब जाने का तो जी कर नहीं रहा सच बताऊँ तो, क्यों? क्योंकि दिल्ली और मेरठ और नोएडा में तो ऐसी गर्मी, सड़ी गर्मी पड़ रही है कि बस पूछो मत। वहाँ के हालात बड़े बेकार हैं और यहाँ तो बहुत सुकून है। चलो आगे मिलते हैं, चलते हैं पैराग्लाइडिंग करने, बाय। फाइनली हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने। हम वहाँ ऊपर लेकर जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद हमारे मौसम जाना चाहते हैं, मतलब तो हमने क्या है, वैसे ले जाते हैं, हमने कहा है कि लैंडिंग पॉइंट पे हमें दिखा दे ताकि हमारे को हमारी मम्मी देख सके ऑब्वियसली। तो बड़ी मुश्किलों से हमें उन्होंने अलाउ किया है कि चलो आपकी मम्मी की गाड़ियाँ भी ले चले। तो मैं, मेरी बहन और मेरे भैया, हम तीनों करने जा रहे हैं स्टार्टिंग से। हम जब लैंडिंग करेंगे तब मम्मी बहन खड़ी होंगी। हम आगे मिलते हैं। हाँ भाई, क्या हाल है उमंग? जब गाड़ी चले तब फाइनली पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे हैं हम, है? Yes. आखिर उमंग ने जिद करके पैराग्लाइडिंग कराई लिया। मैं भी, वो भी एक को दो को तीन तीन जा रहा है। कहाँ, एक अकेला लोंडा जा रहा था, हम तीनों जा रहे हैं। इसी में जज्बा, यही है जज्बा, लुटवा। अब हम चलते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए और बड़ा ही मजा आने वाला है भाई। ये देखो मेरा भाई कितना खुश है, मेरी बहन कितनी खुश है। शक्ल देखो बहन की, जरा इधर जिद करके ले जा रहे हैं। अगर इसने ऊपर से उल्टी करी, वॉमिटिंग करी, कल बेचारी को अटैक आ गया था बहुत तगड़ा। अभी ऊपर जाके 15 घंटे में होश आया था, 15 घंटे में जाके पता चलेगा मजा। 15 घंटे और इस बारी गई तो सीधा गई। यही तो, ये जायजा तड़पने का यही तरीका है। Take a deep breath in and let go. Hara Mahadev, Shiv Shambhu. Ready, bro? Ready? 1, 2, 3, run! 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 Hit the power! More power! More power! More power! More power! Like butter pie! Okay. Oh my God!
सो गाइस, पैराग्लाइडिंग के बाद हम चलते हैं अपने घर, अपने शहर दिल्ली की तरफ। मनाली में हमने बहुत फ़न करा, बहुत इन्जॉय करा। हम विंटर्स में वापसी आएंगे, मनाली को आपको दिखाएंगे, विंटर में वीडियो बनाएंगे और बर्फ़ से ढका हुआ मनाली का व्यू दिखाएंगे। गाइस, वीडियो को पहले पूरा वॉच करो। वीडियो को अगर आप स्किप करोगे या वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाओगे तो कैसे व्यू मिलेगा? व्यू तभी आएगा जब पहले आप वीडियो को पूरा वॉच करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी उसके बाद लाइक करो, उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जो नए लोग हैं, जो पुराने हैं, वो भी वीडियो को पूरा